हेलो साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से रिवीजन क्लासेज में। साथियों, मैं हूं सुनील, स्वागत है आपका एक बार फिर से रिवीजन क्लासेज में। साथियों, आज हम लोग पढ़ेंगे वायरस यानी कि विषाणु से होने वाले रोग। विषाणु से कौन कौन से रोग होते हैं, तो सबसे पहले ये जानेंगे कि विषाणु से कौन कौन से रोग होते हैं और इसको एक बार ट्रिक से भी हम लोग जानेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले कॉन्सेप्ट को सीखेंगे जो कि आगामी सभी परीक्षाओं के लिए, जैसा कि बिहार पुलिस, बिहार एसएससी, बीपीएससी, यूपीएससी, झारखंड पीसीएस, यूपी पीसीएस, एमपी पीसीएस इत्यादि, इन सभी एग्जामों में काफ़ी घातक साबित होने वाला है। तो साथियों, अगर अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल रिवीजन क्लासेज में नए हैं तो साथियों आज ही सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को क्लिक करें ताकि मेरी कोई भी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। आइए साथियों, बिना देरी किए हुए वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले देखेंगे साथियों विषाणु, जिसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं, वायरस। वायरस से होने वाले रोग कौन कौन है। पहला है रेबीज। क्या है? रेबीज। रेबीज भी वायरस से होने वाला रोग है जो कि कुत्ता, बंदर या बिल्ली के काटने से यह रोग होता है। कुत्ते, बंदर और बिल्ली को काटने से कौन सा रोग होता है? रेबीज रोग होता है। अगला है साथियों चिकन पॉक्स। क्या है? चिकन पॉक्स, जिसको क्या कहते हैं, चेचक भी कहते हैं। अगला है साथियों हेपेटाइटिस। क्या है? हेपेटाइटिस। उसके बाद है साथियों मीजल्स। क्या है? मीजल्स, जिसको हम लोग खासरा भी कहते हैं। मीजल्स को क्या कहते हैं? खासरा कहते हैं। उसका अगला है इबोला। इबोला क्या है? ये भी वायरस से होने वाला रोग है। कभी कभी परीक्षा में प्रश्न पूछ लिया जाता है कि इबोला क्या है, इबोला क्या है। ऑप्शंस दे दिए जाते हैं कि इबोला एक जीवाणु है या वायरस है, तो इसका सही क्या होता है, वायरस। इबोला क्या है? एक वायरस है, ये सही होता है। उसके बाद साथियों पोलियो। पोलियो भी विषाणु से ही होने वाला रोग है। उसके बाद है साथियों डेंगू। डेंगू भी विषाणु से ही होने वाला रोग है जो कि मादा एनफिलीज मच्छर के काटने से होता है। किसके काटने से होता है? मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से कौन सा रोग होता है? तो डेंगू होता है। उसके बाद साथियों जीका वायरस। जीका भी वायरस से ही होने वाला रोग है। आइए साथियों कॉन्सेप्ट को हम लोग समझ लिए, अब देखते हैं साथियों ट्रिक के साथ कि कैसे हम लोग ट्रिक के साथ याद रखेंगे। तो साथियों देखिए एक ट्रिक है। क्या ट्रिक है देखते हैं। ट्रिक हमने पहले से लिख चुका है कि रचना हमें पानी दो जरा, रचना हमें पानी दो जरा। देखिए क्या है, रचना, इसको थोड़ा सा हम लोग इंग्लिश में मेंशन करेंगे। रचना, रचना हमें पानी दो जरा, रचना हमें पानी दो जरा। अब यहाँ पे देखेंगे साथियों आर ए से क्या हो जाएगा, तो रेबीज होगा। आर ए से क्या होगा? रेबीज। चना, चना से क्या हो जाएगा, तो चना से चिकन पॉक्स। चना यानी कि चिकन पॉक्स। उसके बाद साथियों हमें, हमें में एच है, तो एच से क्या हो जाएगा, हेपेटाइटिस। क्या होगा? हेपेटाइटिस। उसके बाद साथियों एम है, एम से क्या होगा, तो एम से मेजल्स। एम से क्या हो जाएगा, मेजल्स, जिसको क्या कहते हैं,
खसरा कहते हैं, मीजल्स को हम लोग खसरा भी कहते हैं। अब आइए साथियों आगे हैं, पानी क्या है, सॉरी ई, ई से बच गया, ई से हो जाएगा साथियों इबोला, क्या होगा इबोला, ई से इबोला। अगला है साथियों पानी, पानी से हो जाएगा पोलियो, पानी से क्या होगा पोलियो, पानी से पोलियो हो जाएगा। दो, दो से क्या हो जाएगा तो डेंगू, दो यानी डेंगू। उसके बाद जरा है, तो जरा से क्या हो जाएगा जीका, जरा से जीका। साथियों ये ट्रिक हम लोग याद रखेंगे कि रचना हमें पानी दो जरा, तो रचना क्या कर रही है, लो ये विष पी लो, क्या कर रही है लो ये विष पी लो, लो ये विष पी लो, यानी कि विषाणु से होने वाला रोग है। रचना हमें पानी दो जरा, तो रचना क्या कर रही है, लो ये विष पी लो, विष यानी विषाणु से होने वाला रोग ये सभी है। कौन, तो रचना हमें पानी दो जरा। रचना फिर से एक बार रिपीट करेंगे साथियों, वायरस यानी विषाणु से होने वाले रोग को, जैसा कि रेबीज, चिकन पॉक्स, हेपेटाइटिस, मीजल्स यानी कि खसरा, इबोला यानी कि वायरस, पोलियो, डेंगू और जीका। तो साथियों आज के एपिसोड में इतना ही। अगर हमारा ये एपिसोड अच्छा लगा हो, अगर आपके लिए यूजफुल हो, तो फटाफट लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट करें। तो साथियों धन्यवाद।